वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है, वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे, और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। और इस सब के बावजूद इस प्रकार के कार्यक्रमों को केवल एक औपचारिकता बना करके हम लोग केवल अपनी बात करने तक सीमित हो जाते हैं। आखिर कब इतिहास की इन गलतियों से हम सबक सीखेंगे? और आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इतिहास के इन काले अध्यायों से पर्दा उठा करके देश की जनता की आंखों को खोलने का काम किया है, देश का ध्यान आकर्षित किया है, इतिहास की इन गलतियों के परिमार्जन के लिए रास्ता बनाने का एक आह्वान हम सबका किया है। और उसी आह्वान के साथ जोड़ने के लिए मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है, मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है।